मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा भी पढ़ाया नहीं शुरू किया मैंने। ओके अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हैकअप के थ्रू हम लोग एलर्जेंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो कंट्रोल ऑफ एलर्जन है ग्रेड 3 की हैकअप, हमारे पास ट्रेनिंग होती है इसकी। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कॉन्टेंट्स हमारे पास क्या है, एलर्जन कंट्रोल है, मेथड्स है, डिफरेंट मेथड्स है। ठीक है, फर्मेंटेशन वगैरह है, इसके भी आगे 2 पार्ट्स हैं इस लेक्चर के भी। ठीक है, हैकअप इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। ठीक है, पिछले प्रीवियस 3 लेक्चर में आप लोग तकरीबन प्री रिक्विजिट फॉर्म और जो था और हैकअप के जो इम्प्लीमेंटेशन थे वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, एलर्जन क्या होता है। ठीक है, एलर्जन कोई भी सब्सटेंस होता है, यूजली प्रोटीन। ठीक है, दैट हैज द एबिलिटी टू ट्रिगरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने टॉक्सिकोलॉजी पढ़ी तो आप लोग को याद होगा। ठीक है, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज जाती है somehow वो होती नॉर्मल है, बट आपकी बॉडी का जो इफेक्ट है या उसकी रिएक्शन है उसकी तरफ वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यूजली एलर्जेंस प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंटीजन की डिटेक्शन होती है। ठीक है, मोस्टली हमारे पास एलर्जेंस कहाँ से आते हैं, कौन से फूड आइटम्स में हैं जो एलर्जन ज्यादा होते हैं, मिल्क, एग, फिश, शेलफिश, ट्री नट्स, पीनट्स, स्वीट, सोयाबीन। ठीक है, मतलब नट्स एलर्जी अगर आप एक कर दें नट्स में आ जाता है, इस तरह कुछ फ्रूट से भी लोगों की एलर्जी होती है, डिपेंड करता है, बट मोस्टली हमारे पास मिल्क, एग, फिश और नट्स और सोयाबीन एलर्जी जो है और वीट एलर्जी वो कॉमन एलर्जी है। ठीक है, बैकग्राउंड क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कोई एलर्जिक डिजीजेज होती है। ठीक है, फिर उसकी वजह से समटाइम ऐसा होता है कि कुछ एलर्जी डिजीजेज के साथ साथ डिफरेंट डिजीजेज आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा है वो बचपन से अस्थमा का पेशेंट है और फिर वो इन द लॉन्ग रन आगे जाके 18 साल 19 साल की उम्र में वो फिर क्या कर देता है, वो नट एलर्जी भी डेवलप कर सकता है या उसी टाइम भी डेवलप कर सकता है। ठीक है, मेजर क्लिनिकल एंड पब्लिक प्रॉब्लम है हमारे पास। ठीक है, ये एडवर्स फूड रिएक्शन होते हैं, इसमें फूड रिएक्शन एडवर्स हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रनी नोज कोई भी सिवेरिटी हो सकती है। ठीक है, जो पर्सन है वो फेंट भी हो सकता है, अगर बहुत ही क्रॉनिक हो जाए तो एनफ्लेक्सिस रिफ्लेक्स भी हो सकता है आप लोगों को। ठीक है, फूड एलर्जी इज रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम। ठीक है, फूड इंटॉलरेंस स्टेज होगा, फूड जो एलर्जी होती है वो इम्यून सिस्टम के साथ रिलेट करती है आपके पास। ठीक है, जो फूड इंटॉलरेंस है वो नॉन इम्यून रिएक्शन है आपके पास, वो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप फूड को टॉलरेट नहीं कर सकते ड्यू टू सम अदर रीजंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव कॉपिंग स्टार्ट कर देगा, मास्ट सेल जो है वो आपके पास केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देगा इन फूड एलर्जी। ठीक है, क्या करते हैं, फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस की जो सिम्टम्स होती है वो एक दूसरे को मिमिक करती हैं। ठीक है, तो समटाइम ऐसा हो सकता है कि आप रॉन्ग भी डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, फूड एलर्जेंस कुड बी केमिकल। केमिकल में आप एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास होते हैं कौन से वाले थे, मतलब ये एल्डिहाइड से एलर्जी हो सकती है। ठीक है, इस वक्त मुझे और ग्रुप्स याद नहीं आ रहे, एल्डिहाइड के जो ग्रुप्स होते हैं या फिर जो स्पिरिट कंटेनिंग दूसरे ग्रुप्स है आपके पास एल्डिहाइड के अलावा, उनकी वजह से केमिकल एलर्जीज हो सकती है। फिजिकल में पोलन से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, माइट से हो सकती है। ठीक है, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस भी हैं। ठीक है, कुछ लोगों को होता है कि डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह से एलर्जी होती है। ठीक है, जैसे एक वो वॉर्म होती है कैटरपिलर से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। ठीक है, वो अगर उनको देख लें या कैटरपिलर उनके करीब से भी गुजर जाए तो उनकी फुल बॉडी पे रैश वगैरह बन जाता है। ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स डिपेंड करता है आपके ऊपर टाइप ऑफ एलर्जन, एलर्जन कितना स्ट्रॉन्ग है, कंसेंट्रेशन कितनी थी उसकी, कितनी अमाउंट में कंज्यूम किया है आपने। ठीक है, और एक्सपोजर का ड्यूरेशन कितना था। ठीक है, लेट सपोज अगर किसी को पीनट एलर्जी हो, जैसे उसने मुंह में पीनट बिस्किट्स डाले, उसके अंदर चलो कॉन्टेंट मौजूद था पीनट का,
और फॉरन से आप उसको बोल लें, तो एट टाइम अगर उसको सिवियरिटी बहुत ज्यादा है एलर्जी की, तो सिर्फ उसकी माउथ के अंदर नमिंग वगैरह होगी, उसकी ब्लड के अंदर अभी शामिल नहीं होगा, तो उसकी इतनी एलर्जिक रिस्पॉन्स इतना हाइपर नहीं आएगा. लेट सपोज अगर वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो चीज शामिल हो जाती है, ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है, तो फिर उसके जो सिम्टम्स हैं या जो रिएक्शन होगा वो सिवियर आएगा. ठीक है, तो डिपेंड करता है कितनी टाइमिंग है आपके पास. ठीक है, मेजर फूड एलर्जेंस है यहाँ पे कुछ हमारे पास. ओके, इनमें हमारे पास जो मेजर फूड एलर्जन है उनमें वाटर सॉल्युबल प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन है. ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन में भी हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप के दो प्रोटीन होते हैं, 10 एंड 60 केडी प्रोटीन. इनका मोस्टली फंक्शन ये होता है कि ये आपके पास जो है ये डिटेक्शन करते होते हैं, अगर आप किसी मतलब अभी आप लोग बहुत छोटे बहुत एडवांस लेवल पे जाके रिसर्च वगैरह होती है, इनकोडिंग वगैरह करनी होती है एलर्जेंस को फाइंड करने के लिए, उसकी रिवर्स इनकोडिंग के लिए और एलर्जेंस को फाइंड करने के लिए 60 केडी जो ग्लाइकोप्रोटीन है एज अ डिटेक्टर यूज होता है आपके पास. ठीक है, आप लोगों ने इधर दिमाग में अपने क्या चीज माइंड में रखनी है, आपने याद करने वाली कि वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स की वजह से एलर्जी हो सकती है और ग्लाइकोप्रोटीन में मोस्ट कॉमन जो जिनकी वजह से एलर्जीज होती हैं वो 10 और 60 केडी ग्लाइकोप्रोटीन्स है हमारे पास. ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है. ठीक है, अदरवाइज अगर आप पढ़ना चाहें इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर अवेलेबल है. ठीक है, ये वाले क्या होते हैं, ये प्रोटीन हीट के सामने स्टेबल होते हैं, एसिड में भी और प्रोटीनेसेस के सामने भी स्टेबल होते हैं. ठीक है, फिर नंबर वन पे हम लोग के पास आ जाते हैं कि एलर्जिक रिस्पॉन्सेज या एलर्जिक डिजीजेस कौन सी होती है. सेलिक डिजीज या इसको ग्लूटेन इंटेरोपैथी भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी बॉडी है उसके अंदर जो ग्लूटेन है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता. ठीक है, इन सब्जेक्ट विद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. ठीक है, वट इज ग्लूटेन इंटेरोपैथी. ग्लूटेन इंटेरोपैथी होती है जब आपकी जो बॉडी है वो इम्पेयर हो जाती है. ठीक है, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूटेन. ठीक है, आपकी बॉडी इम्पेयर हो जाएगी, ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं करेगी, फिर उसके अजीबो गरीब किस्म की आपके पास रिवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, इसकी प्रिवलेंस कितनी है, वर्ल्ड वाइड 6-8% बच्चों के अंदर होती है, 1-2% एडल्ट्स के अंदर होती है, पाकिस्तान के अंदर 1% होती है. हमारे पास प्रिवलेंस है 1% आ रही है अभी तक 2021 तक, और जिसमें 90% लोगों का अनडायग्नोज रह जाता है, लोगों को पता नहीं चलता कि उनको बेसिकली डिजीज क्या है. ठीक है, इसी तरह फूड इंटॉलरेंस भी 5-6% एडल्ट्स के अंदर होती है, 0.3-20% इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन के अंदर होती है. ठीक है, बच्चों को भी कभी कभार फूड इंटॉलरेंस हो जाती है छोटे वाले बच्चों को मिल्क पीने से या कुछ खाने से. ठीक है, कॉजेस फैक्टर कौन से हैं आपके पास जो प्रोटीन एलर्जी या ग्लाइकोप्रोटीन एलर्जीज आपके पास होती है, मिल्क के प्रोटीन की वजह से होती है, सीरियल्स में व्हीट ले लें. ठीक है, और नट्स में पीनट्स कॉमन है हमारे पास, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर भी हो सकती है. ठीक है, डिपेंड करता है मतलब जो वेजिटेबल्स में जो अरवी होते हैं, याम जिसको बोलते हैं, उससे एलर्जी बड़ी कॉमन होती है, बहुत सारे लोगों में उसकी वजह से एलर्जी होती है, या ओकरा की वजह से एलर्जी हो सकती है. ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स अगर याद हो तो टॉक्सिकोलॉजी में मैं बहुत डिटेल से पढ़ाया था, अभी फिर मैं पढ़ा दूंगी. तो एलर्जिक रिस्पॉन्स इसका एक आपके पास सिस्टम होता है. ठीक है, वो सिस्टम क्या होता है, ये 3 stages होती है IgE mediated एलर्जिक रिएक्शन के. बॉडी के अंदर आपके पास क्या होता है, लेट सपोज किसी ने पीनट खाया था, वो पीनट का फ्रेगमेंट बॉडी के अंदर जाएगा. ठीक है, और फिर उसके बाद वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. वो प्रोसेस क्या है, एन एलर्जिक रिएक्शन ऑकर व्हेन द इम्यून सिस्टम ओवररिएक्ट्स टू द हार्मलेस सब्सटेंस नोन एज एलर्जन. ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर पीनट का फ्रेगमेंट गया और आपकी बॉडी ने उसकी तरफ नेगेटिव रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, हालांकि पीनट बेचारा उसका कुछ भी नहीं कर रहा. ठीक है, क्या करेगा, ये जो एलर्जेंस होंगे ये ट्रिगर करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. ठीक है, बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे जिनको हम IgE या अमीनोग्लोबिन ई बोलते हैं. ठीक है, IgE बोलते हैं. ठीक है, होगा क्या, आपकी बॉडी के जो बी सेल्स होंगे उनका एक्सपोजर होगा, उनके ऊपर एलर्जन जो है वो खुद को टच कर लेंगे. ठीक है, वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे. ठीक है, फिर आपके प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, वो एकदम से बहुत सारी IgE प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे एक नॉर्मल. ठीक है, फिर आपके मास सेल के साथ क्या होगा, फिर आपके मास सेल के ऊपर ये IgE जो है वो अटैच हो जाएंगे. ठीक है, फिर जब सेकंड टाइम के एक्सपोजर आपके पास आएगा, मास सेल रिलीज करेगा छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, और जब वो ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे मास सेल से ऑन द सेकंड एक्सपोजर, लेट सपोज आपने आज पीनट खाया, आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ, और फिर आपने 28 जून को दोबारा पीनट खाया और वो एलर्जिक रिस्पॉन्स फिर क्या होगा,
उसके अंदर मास्ट सेल फिर वो ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, जैसे वो ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करेगा आपको कोई भी सिम्टम्स आ सकती है, आपको छींके भी हो सकती है, आपकी आंखों से पानी निकल सकता है, आपकी स्किन के ऊपर रैश आ सकता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव हैजर्ड एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट, ठीक है। अब हमारा आ गया मेन टॉपिक, ठीक है, कि हमने रिस्क एनालिसिस कैसे करनी है, पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब भी कोई हैकअप अप्लाई करना होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनानी होती है, जो भी काम करना होता है, उससे पहले हम लोग क्या कहते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग करेंगे हैजर्ड की एनालिसिस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, टू असेस रिस्क। रिस्क क्या है हमारे पास, यहाँ पे एलर्जन है, हमने सबसे पहले उसको एनालाइज करना है कि हमारे पास कौन से जो एलर्जन है वो आ सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जन, फिर आपने एनालाइज कर लिया, फिर आपने उसमें आइडेंटिफिकेशन करिए, डिफ्रेंशिएट करना है सेकेंड पॉइंट पे, ठीक है। हैजर्ड बेसिकली हमारे पास क्या चीज होती है, हमारे पास एक पोटेंशियल कंडीशन होती है जो कि या तो एग्जिस्ट करती है या जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आप में होंगे जो कि जिनके अंदर एलर्जी नहीं होगी, बट कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार कोई रिएक्शन आ सकता है, ठीक है। तो फूड इंटॉलरेंस में भी आ सकते हैं, पर यहाँ हम हैजर्ड एनालिसिस के लिए उसको ले सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि हमें हर बार एक रिएक्शन हो, ठीक है। बहुत बचपन में हमने कोई चीज खाई होती है, फिर हम उसको अपने दिमाग में फोबिया बिठा लेते हैं कि इस चीज से हमें एलर्जी है, ठीक है। वो हो सकता है कभी कभार वो प्रोबेबिलिटी के तौर पे 1% या 0% वो हैजर्ड आ गया हो, ठीक है। ये जो है ये आपकी इधर तो क्लास एक्टिविटी है, पर हमारे पास क्योंकि टाइम इतना नहीं होता ऑनलाइन क्लास का, तो आप लोगों ने ये चीज जो है ये देखनी हो, ये वेबसाइट आप लोगों ने सर्च करनी है, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछूंगी नेक्स्ट टाइम के वेबसाइट के अंदर क्या था। बेटा कुछ अजीब ही हालात है, अभी तो कोई और ईमेल आई है थोड़ी देर पहले। मैम वो तो इवन ऑड की आई है ना, बेटा कुछ पता नहीं चलता, मंडे तक मैं कुछ नहीं कह सकती, 4-5 ईमेल तो सुबह से आ गई हैं इस तरह की। द रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट हम लोग क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट जो है ना वो एक चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है। आप जब आपको एक तो आपको आइडिया होता भी और आपका आइडिया नहीं होता, इट्स अ कंफ्यूजन वाला एक फेज है आपके पास रिस्क असेसमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मींस लाइक एक एज अ चैलेंज हम इसको लेंगे और हम लोगों ने फाइंड करना होगा, ठीक है, कि हम लोग रिस्क असेसमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन विद अदर एलर्जेंस, ठीक है। उसके लिए फिर आपको पूरा सेटअप एंड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा सेग्रीगेशन वाला, वो सेग्रीगेशन आपने चीजों के अंदर भी करनी है और अपने एम्प्लॉय के अंदर भी करनी है, तभी जाके आप क्रॉस कंटेमिनेशन को जो है वो स्टॉप कर सकते हैं और एक एलर्जन को दूसरे के साथ मिक्स होने से रोक सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव एक्शन इज व्हाट टू बी प्रैक्टिस, ठीक है। एक प्रिवेंटिव एक्शन हम लोगों को बनाना है और वो आपका वैलिड होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मैंने अब क्या करना है इसके बाद, ठीक है। यू शुड बी क्लियर अबाउट योर डिसीजन, ठीक है। द बेस्ट वे टू कंट्रोल इज टू एलिमिनेट और प्रिवेंट दिस दिस प्रायर टू प्रोडक्ट चेंज ओवर, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्रोडक्ट चेंज ओवर कर ले। प्रोडक्ट चेंज ओवर की एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ऐसे दूंगी कि लेट सपोज अगर हम लोगों ने एलर्जन को, हमारे पास एलर्जन वाली चीजें भी हैं और एलर्जन के बगैर वाला खाने की भी कोई चीज है, ठीक है। तो लेट सपोज मशीनरी उसको मिक्सिंग की एक है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने प्रोडक्ट चेंज ओवर करना है। प्रोडक्ट चेंज ओवर इस तरह करेंगे, एक तो पहले आपने हमेशा कौन सी चीज लेनी है जिसके अंदर एलर्जेंस नहीं है, ठीक है। सेकेंडली फिर क्या करना है, आप प्रोडक्ट चेंज ओवर भी कर सकते हो, आप मतलब लेट सपोज उसका जो ब्लेंडर या मिक्सर है उसको चेंज कर ले, ठीक है। रनिंग प्रोडक्ट के लिए उस चीज की किसी एक मशीनरी को अगर चेंज करना है या कोई एक प्रोसीजर चेंज करना है, कोई एक पार्ट चेंज करना है, तो उसको आप चेंज ओवर बोलेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट चेंज ओवर बोलेंगे उस चीज को। व्हाट इनपुट्स हैव टू बी कंसीडर्ड इन हैकअप प्लान, ठीक है। इनपुट हमारे पास क्या है, ऑल कमिंग मटीरियल सच एज कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स एडेड टू द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। नंबर वन इनपुट क्या होगा आपके पास, कि जितने भी आपके पास चीजें आ रही हैं, ठीक है, मटेरियल जो खाने का है या खाने का नहीं, कंज्यूम कर सकते नहीं कर सकते, वो आपने ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंग्रेडिएंट्स हो गए, फूड एडिटिव्स हो गया, पैकेजिंग होगी, एट अ टाइम आप लोगों ने करनी होगी, ठीक है, किसी एक सिंगल बैच की विच इज एलर्जन और नॉन एलर्जन, ठीक है। मिक्सअप में काम नहीं करना आप लोगों ने। पोटेंशियल हैजर्ड्स क्या कौन से हो सकते हैं हमारे पास, में अराइज इन रॉ मटेरियल और इनपुट, ठीक है। ज्यादा खतरा कब होता है, जब आपके पास कोई चीज अभी प्रोसेस नहीं हुई होती, अभी आपके पास रॉ एंड होल फॉर्म में होती है, ठीक है। रिजल्टेंट फ्रॉम द प्रोसेस, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल के अंदर, दैट प्रोसेसिंग में आप ट्रांसपोर्टेशन की एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, हार्वेस्टिंग की एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, ठीक है।
उस टाइम के अंदर या फिर आने के बाद जब आपने उसको रिसीव कर लिया और आपने किसी एक मशीनरी से उसकी सॉर्टिंग की है, तब भी उसके अंदर वो हैजर्ड या वो एलर्जन जो है वो एंटर कर सकता है, ठीक है। सो कंट्रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स मटेरियल आर नॉट पार्ट ऑफ, वो आप लोगों को याद होगा, इट्स नॉट पार्ट ऑफ हैकअप प्लान बट इट इज पार्ट ऑफ प्रीरिक्विजिट, ठीक है। प्रीरिक्विजिट में क्या आता है, जिसमें आप सारा सिस्टम मैनेज करते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, एलर्जन कंट्रोल प्रोग्राम आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर फिर डिफरेंट आपके पास पार्ट्स आ जाएंगे, क्लीनिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, सफाई सुथराई और सैनिटेशन का ख्याल रखना है, वेरिफिकेशन करना है एट एवरी स्टेज, ठीक है। लेक्चर नंबर पार्ट टू याद होगा आप लोग अपने लेक्चर के, ठीक है, जिसके अंदर क्या था हैकअप प्रोग्राम के अंदर, जिसमें आपने क्या करना है एलर्जन कंट्रोल प्रोग्राम बनाना है, कौन सी सीसीपी पे कौन सी लिमिट पे हम एलर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको कैसे क्लियर करना है वो बात करनी है, फिर हमने अपने स्टेप्स को वेरीफाई करने, हाउ टू और हाउ टू नॉट वाले बात है, ठीक है। मैनेज पोटेंशियल क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ एलर्जन, ठीक है, पोटेंशियल क्रॉस कंटेमिनेशन को आपने मैनेज करने, जो जिसका आपको पता है, मतलब जो बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर हो आपकी आंखों के सामने कि हाँ भाई इससे ये चीज हो सकती है, सब उसको मैनेज करना है, ठीक है। समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि बहुत माइनर चीजें होती हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर होती है, बट जो पोटेंशियल है, जो मेजर है, जो विजिबल है, उसको आप लोगों ने कंट्रोल करना है, ठीक है। सैनिटेशन प्रोग्राम है और लेबलिंग ऑफ एलर्जन है, ठीक है। सैनिटेशन प्रोग्राम में तो आप लोगों ने यही करना है कि उसकी क्लीनिंग वगैरह कैसे करनी है, और लेबलिंग ऑफ एलर्जन में आप लोगों ने ऐसे करना है, उसमें आप ऐसे कर सकते हो, आप कलर्स चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट होता है कि आप अगर इस चीज के अंदर एलर्जन है तो उसकी मैंशनिंग करें और उसकी पैकेट कलरिंग चेंजिंग कर सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे खैर फर्दर एक्सप्लेनेशन है भी, क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग शेड्यूल्स, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग वाला अगर आपको बात याद हो तो आप लोगों ने हर चीज के लिए परफॉर्मेंस या इस तरह के चार्ट्स वगैरह बना लेने, ठीक है। क्लीनिंग एंड सैनिटेशन प्रोग्राम एंड शेड्यूल शुड बी बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। शेड्यूलिंग कैसे करनी है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एलर्जेंस एंड टाइप ऑफ द शेड्यूल एंड टाइप ऑफ द प्रोसेस इंप्लीमेंटेड, ठीक है। इट्स इंपैक्ट ऑन द फूड सेफ्टी, द इंटेंसिटी एंड प्रायोरिटी नीडेड, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपको फूड सेफ्टी के कितने डेप्थ में जाना है, इस चीज की या इस प्रोसेस की इंटेंसिटी कितनी थी और ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी इसकी क्या थी, वन ए ग्रेड पे थी, बी पे थी, सी पे थी, डी पे थी, ठीक है। इन चीजों को आप लोगों ने मेंशन करना है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने क्लीनिंग प्रोग्राम जो है वो फॉलो करना है। द शेड्यूल शुड डिफाइन व्हेन एंड हाउ डिफरेंट आइटम्स एंड एरियाज शुड बी क्लीन एंड हू टू डू द क्लीनिंग, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों ने क्या डिस्कस करनी है फॉर्म के अंदर अपनी करनी होती है कि कब कैसे और किसने सफाई करनी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चंस है कि कौन सी चीजें आपने माइंड में रखनी है, पॉइंट्स है, व्हाट इज टू बी क्लीन, ठीक है। लेट्स सपोज हमने कोई बड़ी मशीनरी क्लीन करनी है या वेयर हाउस का फ्लोर क्लीन करना है, हु इज टू क्लीन इट, एम्प्लॉय नेम कौन है, ठीक है। When it is to be clean, what time, ठीक है, किस time पे करना है, after करना है, before करना है, of the processing, ठीक है। How it to be cleaned, through vacuums होगा, through bleaches होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने mention करनी है, the time necessary to clean it, ठीक है। एक आपके पास clear idea होना चाहिए, घंटा, सवा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट के अंदर इस जगह की सफाई हो जाएगी, वो चीज mention करनी है। The chemical used, let's suppose आप chlorine, chloride bleach use कर रहे हो या फिर quaternary ammonium use कर रहे हो, ठीक है, वो भी आप लोगों ने साथ में mention कर लेने, ठीक है। Materials and equipments भी use, ठीक है, material कौन सा use करो, equipment कौन सा use करो, blowers use करो, steam blowers use करो, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने mention करनी है। Standard भी आपने mention करने है, किस standard की आपको require है, ठीक है। Standard you can designate standard according to the grades, ठीक है। The precaution to be taken, ठीक है, let's suppose अगर आप bleach या इस तरह का acid use कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या precautions है, gloves पहनने, caps पहनने, कपड़े कैसे, PRPs पहनने, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने कर देनी है, ठीक है। The protective clothing to be worn, who is responsible for checking and reducing that has been cleaned, ठीक है, इसके लिए एक कोई supervisor या manager की duty लग सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एलर्जन ऑलरेडी प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल्स, इन दिस केस नो प्रोग्राम कैन कंट्रोल, प्रिवेंट और रिड्यूस और एलिमिनेट, सो विल सेट अप सीसीपी फॉर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। क्वेश्चन है, रेड में आंसर है आपके पास कि अगर एलर्जन अगर प्रेजेंट है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए सीसीपी बना के रख सकते हैं, जो कि हमारे पास कंप्लीटली तो किसी चीज को क्लियर नहीं कर सकती, पर एक एक्सेप्टेबल लेवल तक हम उसमें से एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमें पता है कि ये आटा आएगा
अब देखिए जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्लूटेन एलर्जी में आप मकई का आटा खा सकते हो, हालांकि ग्लूटेन सिवाय एग और एग था और मिलेट, एग और मिलेट को छोड़ के दुनिया की हर चीज के अंदर ग्लूटेन है, ठीक है। बट ये होता है कि उसमें एक सीसीपी लिमिट है मकई के आटे के अंदर, वो एक लिमिट है उसके अंदर, वो उस लिमिट पे आपको क्या है एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। तो इसमें आप उसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप ऐसी चीज यूज कर लें या आपको पता होना चाहिए या फिर आप उसके अंदर कोई क्राइटेरिया बना लें, ठीक है। जो गंदम का आटा भी आता है ग्लूटेन फ्री आपके पास मार्केट में, वो आप एक नेचुरल चीज को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर एक सीसीपी उसके लिए बनी हुई, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, उस पॉइंट तक जितना हो सकता है वो क्या करते हैं, वो उसमें से ग्लूटेन एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, उसको मॉनिटर कर सकते हो और एक सीसीपी बना सकते हो आप अपने लिए, अगर आपको पता है कि रॉ मटेरियल के अंदर ग्लूटेन प्रेजेंट है, ठीक है। Although allergens should be part of hiccup like biological, chemical and physical risk. Allergens जो है हमारे पास part of PRP आते हैं, hiccup की नहीं आते। और यहाँ पे हमारे question है theoretical question इसको बोलते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा वो इंतजार या drama create करते हैं कि इसको भी इसका part होना चाहिए, ठीक है। But in my opinion it is hard to create CCP in most cases, ठीक है। बट क्योंकि फूड आइटम्स हैं और फूड आइटम्स के अंदर सीसीपी क्रिएट करना एक वाकई में बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट टास्क है आपके पास, ठीक है। वन एक्सेप्शन माइट बी द ग्लूटेन फ्री लेबल व्हिच लिमिट्स कैन बी चेक बाय स्पेसिफिक सेंसिटिव टेस्ट, ठीक है। ग्लूटेन फ्री तो लिखा होता है, चीज बिस्किट्स के ऊपर भी लिखा होता है, फ्लोर के ऊपर भी लिखा होता है, ठीक है, पर उसके लिए एक सेंसिटिव टेस्टिंग होती है, ठीक है। वो सेंसिटिव टेस्टिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। एक हमारे पास डिवाइस है जिसको हम लोग नीमा बोलते हैं, ठीक है, नीमा टेस्ट हम लोग इसके लिए करते होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज है, लेट सपोज किसी ने कहा कि दीज कुकीज आर ग्लूटेन फ्री, बट आपके माइंड में शक है कि इट कुड कंटेन और अ माइनर अमाउंट ऑफ ग्लूटेन एंड यू वॉन्ट टू चेक इट, सो यू विल सिंपली डू, आप उसका एक माइन्यूट सी अमाउंट लोगे उस कुकी की और एक कैप्सूल सा होगा, उस कैप्सूल में डालोगे फिर उसको नीमा मशीन के अंदर डाल दोगे, वो उसके अंदर से पास हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो पास होगा विद इन सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के अंदर नीमा का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अगर रिजल्ट आया और उसके ऊपर डिटेक्शन होती है, ये इस तरह स्क्वायर से डिवाइस होता है आपके पास, ठीक है, और उसके ऊपर स्माइली बनी हुई आ जाए, ठीक है, अगर उसके ऊपर स्माइली बनी हुई आ जाए तो इसका मतलब होगा तो जो कुकी आपने इसके अंदर डाली थी उसके अंदर वाकई में ग्लूटेन नहीं है, ठीक है, इट्स इन रियलिटी ग्लूटेन फ्री। बट अगर उसके ऊपर जो एक वीट का जो वीट का एक कर्नल बना हुआ आ जाए ना, तो उसका मतलब है कि इसके अंदर ग्लूटेन बेशक माइनर है पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है और वर्ल्ड वाइडली नीमा टेस्ट ही किया जाता है फूड के अंदर ग्लूटेन की डिटेक्शन पे, ठीक है। अ सीसीपी इज एज लॉन्ग एज द पॉसिबल एज द एलर्जन इज डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजेनियसली, बट नॉन होमोजेनियसली कंटेमिनेशन कैन नॉट बी कंट्रोल बाय हैकअप, ठीक है। आप सीसीपी उन फूड के अंदर भी कर सकते हैं जिसके अंदर सेम साइज और सेम पार्ट्स और पार्टिकल्स, जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स है ना फूड के अंदर, वो होमोजेनियसली हो, ठीक है, एक ही साइज के हो, एक ही जितने हो और उनकी डिवीजन सही तरीके से हुई हो, तो आप उसकी सीसीपी रख सकते हो। बट अगर कुछ पार्टिकल बड़े हैं, कुछ पार्टिकल छोटे हैं, कुछ रफ हैं, कुछ आपके पास स्मूथ हैं और वो नॉन होमोजेनियस हैं, तो आप उसके अंदर सीसीपी जो है वो या हैकअप के जो मेयर्स हैं वो क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। मोस्ट जो हमारे पास एलर्जन है उसकी कोई हमारे पास लिमिट नहीं होती, ठीक है, या उसके लिए कोई स्पेसिफिक लिमिट वर्ल्ड वाइडली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हाउ टू डिफाइन लिमिट ओनली होमोजेनियस, ठीक है, जब तक पार्टिकल्स और हर चीज बराबर नहीं होगी किसी फूड के अंदर हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा हम डिटेक्टिबिलिटी किस तरीके से कर सकते हैं, हम डिफरेंट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे नीमा टेस्ट है उसकी बेस पे हम लोग सीसीपी कर सकते हैं फॉर लेबलिंग के लिए, एंड इसके अलावा प्री रिक्विजिट फॉर्म्स जो होते हैं हमारे पास उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू थोड़ा बहुत क्या होता है, वी कैन प्रोड्यूस लिटिल बिट ईज फॉर अस, ठीक है। फाइनली टुडे वी डोंट हैव एलर्जन लेवल्स एज सीसीपी, ठीक है। अभी क्या होता है, अब हमारे पास एलर्जन लेवल जो है वो एज ए सीसीपी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास थोड़ी बहुत क्या हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, नीमा टेस्ट वगैरह, ठीक है, डिक्लेरेशन एज मी कंटेन होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, जो भी आप बिस्किट उठा लो, चाहे जिस भी कंपनी को उठा लो, उसके इंग्रेडिएंट्स के एंड में लिखा होता है इट मे कंटेन्स पीनट और नट और दिस दिस दिस, ठीक है। तो मे कंटेन वाली जो डिक्लेरेशन है और उसकी वजह से थोड़ा बहुत क्या होता है, जिंदगी जो है वो आसान होगी, ये पहले ऐसे नहीं होता था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दें,
क्योंकि इसका आंसर तो आपने मुझे देना ही नहीं है. डिड यू एक्शन ऑन हाउ क्रॉस कंटेमिनेशन इज गोइंग टू बी प्रिवेंटेड. ठीक है, एस्टिमेटेड एक्शंस हाउ टू क्रॉस कंटेमिनेशन इज गोइंग टू बी प्रिवेंटेड. ठीक है, पॉसिबल सोल्यूशन क्या हम लोग कर सकते हैं, सेग्रीगेशन बाय कलर कोडेड लेबलिंग एट ऑल स्टेजेस. ठीक है, हम लोग डिफरेंट स्टेजेस पे कलर कोडिंग चेंज कर सकते हैं लेबलिंग की. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेजिग्नेटेड स्टोरेज एरियाज फॉर एलर्जिक इंग्रीडियंट्स यूजिंग कलर कोडेड लेबल. ठीक है, लेट सपोज अगर जहां पे हमने डेजिग्नेट किया कि यहाँ पे एलर्जिक इंग्रीडियंट्स पड़े हुए हैं उसको हम ग्रीन कलर दे सकते हैं, येलो कलर जो भी आपका फेवरेट कलर है वो कलर आप दे सकते हैं. ठीक है, और जो लेट सपोज जो रेड है उनमें एलर्जन प्रेजेंट है और जो ब्लू है उसमें एलर्जन प्रेजेंट नहीं है, तो इस तरीके से आप डेजिग्नेट कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि शेल्स हैं रेड येलो एंड ब्लू एंड व्हाइट कलर में है. सेग्रीगेशन बाय टाइम पैक एलर्जिक कंटेनिंग प्रोडक्ट क्लास. ठीक है, इसके अलावा आप टाइमिंग मेंशन कर सकते हो. ठीक है, बट टाइमिंग इज नॉट, जितनी कोई चीज विजिबल होती इतना दे आर इजी टू नो. ठीक है, डेडिकेटेड स्टाफ चेंजिंग प्रोसीजर्स व्हेन पैकिंग एलर्जिक प्रोडक्ट्स दे आर डीप वॉश डाउन एंड स्टाफ चेंज टू बी रेड एप्रेंस और कलर टू इंडिकेट एलर्जिक ऑपरेशन. ये जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखे इसके मतलब है कि जो स्टाफ को काम मिला था पैकिंग ऑफ द एलर्जिक प्रोडक्ट्स, एक तो उनको पैकिंग के बाद उनकी डीप डाउन वॉशिंग जो है डीप डाउन वॉश करना है. ठीक है, वो कैसे मतलब उनकी प्रॉपर उनकी भी सैनिटाइजेशन वगैरह करवानी होती है. ठीक है, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, उनको जब ड्यूटी चेंज हो जाती है या और लोग आते हैं या जिसको कोई और ड्यूटी डेजिग्नेट की गई होती है उनकी एप्रन का कलर्स चेंज करवा सकती है. इट कुड बी रेड और पर्पल और पिंक. ठीक है, इस तरह से आप उसको चेंज करवा सकते हैं ताकि इंडिकेट हो जाए कि किसने कौन सी ड्यूटी की है, ताकि लेट सपोज अगर किसी ने एलर्जिक प्रोडक्ट वाली ड्यूटी की है तो वो नॉन एलर्जिक प्रोडक्ट एरिया के अंदर एंटर नहीं हो सकता अगर उसने वो एप्रन पड़ा पहना और उसको पता हो. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे देख लें, ठीक है, एलर्जिक मटीरियल स्टोरेज एरिया डिफरेंट है, उसके अंदर लोगों ने रेड पहने हुए, जो बाहर वाले लोग हैं उन्होंने ऑरेंज कलर की शर्ट्स पहनी है. ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर सेग्रीगेशन. ठीक है, टूल्स यूटेंसिल्स आर कलर कोडेड इज रेड फॉर पीनट प्रोडक्ट्स ओनली, ग्रीन फॉर मे बी ग्लूटेन कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, टूल्स एंड यूटेंसिल्स को भी आप चेंज कर सकते हो, बॉक्सेस के कलर चेंज कर सकते हो. ठीक है, स्टाफ चेंज ओवर प्रोसीजर्स एंड हाइजीन ऑफ नॉन डेडिकेटेड इक्विपमेंट. ठीक है, स्टाफ चेंज ओवर ड्यूटी आर इन चेंज कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा आपने हाइजीन का ख्याल रखना होता है नॉन डेडिकेटेड इक्विपमेंट का. ठीक है, ताकि उनके लेट सपोज अगर ये जो पर्पल कलर का कंटेनर है इसका काम नहीं है कि इसके अंदर एलर्जिक प्रोडक्ट्स डाले जाए. ठीक है, अगर हो जाए इस तरीके से हो जाए गलती हो जाए तो फिर उसकी सैनिटेशन का ख्याल रखें. ठीक है, एलर्जिक टू नॉन एलर्जिक प्रोडक्ट्स. ठीक है, स्टाफ चेंज ओवर प्रोसीजर फ्रॉम एलर्जिक टू नॉन एलर्जिक प्रोडक्ट. ठीक है, स्टाफ का चेंज ओवर कर सकते हैं. आइडियली यू विल प्रोड्यूस द नॉन एलर्जिक प्रोडक्ट्स फर्स्ट टू प्रिवेंट कैरी ओवर्स एंड ऑल्सो डीप क्लीनिंग ऑफ द इक्विपमेंट स्टाफ एंड प्रोडक्टिव क्लोथिंग टूल्स एंड यूटेंसिल्स. ठीक है, मैंने ऊपर भी आपको स्लाइड में बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप लोगों ने क्या करना है, जो नॉन एलर्जिक प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन या उसकी प्रोसेसिंग आपने लोगों ने पहले कर लेनी है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने स्टाफ को प्रोटेक्टिव क्लोथिंग देनी है. इसके अलावा जो टूल्स एंड यूटेंसिल्स यूज हुए हैं उनकी कलर कोडिंग भी करनी है और उनको क्रॉस कंटेमिनेशन से भी बचाना है आप लोगों ने. ठीक है, अब कॉमन कटिंग बोर्ड डेजिग्नेशन जो होते हैं ये बाकायदा बाकी में आपके पास इसी तरह से होते हैं, जो डिफरेंट इस तरह के कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है. रॉ मीट के लिए रेड कलर की नाइफ है, रॉ पोल्ट्री के लिए येलो कलर की है. ठीक है, सी फूड के लिए ब्लू है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए ग्रीन है, रेडी टू ईट के लिए मस्टर्ड कलर है, और एलर्जन अवेयरनेस के लिए पर्पल कलर की नाइफ जो है वो यूज की गई है. प्रिवेंटिव मेजर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम किसी एक जगह से हर वक्त सप्लाई ना लें. ठीक है, चेंज इंग्रीडियंट सप्लायर्स फ्रीक्वेंटली. ठीक है, आप जो भी काम कर रहे होते हो लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए. इससे क्या होता है, जब आप थोड़ी आप जब एक जगह से चीजें लेना शुरू करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, इसी तरह लाइक अगर मैं आपको आप लोग की एज के हिसाब से और आप लोग की माइंड के मुताबिक एग्जाम्पल दूं, तो आपके अगर तीन दोस्त होते हैं चार दोस्त होते हैं आप हर मशवरा एक दोस्त से नहीं लेते. ठीक है, आपका दोस्तों के अंदर भी आप लोग की कुछ चीजें चेंज होती हैं. ठीक है, आप कुछ दोस्त से कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ दोस्त से कुछ डिस्कस करते हैं, और ये एक हेल्दी चीज होती है. ठीक है, जब आप एक पर्सन या एक जगह पे रिलाई करना शुरू करते थे तो वहां पे रिस्क फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाते हैं.
अगर आप अपने लाइफ के सारे सीक्रेट्स मतलब दोस्तों में से एक ही बंदे को बताते हो तो वो आपके लिए थ्रेट बन जाता है. सेम विल गो फॉर द सप्लायर्स. ठीक है, अगर आप एक ही जगह चीज लोगे तो आप उन पे अंधा इत्तेबार करना शुरू कर देते हो और वहीं से थ्रेट्स आना शुरू हो जाती है. मतलब वो फिर ऊपर नीचे आपको सप्लाई देंगे, गलतियां करेंगे. ठीक है, क्योंकि आप उनके आप तो उन पे रिलाई कर रहे हैं, वो आपके लिए रिलायबल हो गए होते हैं, बट दे आर नॉट रिलायबल. यहाँ से रिस्क और थ्रेट्स आना शुरू हो जाती है. ठीक है, सो उसको आप लोगों ने कुछ अर्से बाद चेंज करना है सप्लायर मोड को अपने. ठीक है, फूड दैट नीड टू बी लेबल्ड ऑन प्री पैक फूड व्हेन आर यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स आर सीरियल्स कंटेनिंग ग्लूटेन. ये आप लोगों ने मेंशन करने है, नेमली कौन सी टाइप का ग्लूटेन है, वीट, राई, बार्ले, ओट्स. ठीक है, क्रस्टेशियंस क्या है, जो आपके पास फिश वगैरह वाली चीजें होती हैं, फिश वगैरह वाली चीजें नहीं. ठीक है, फिश वगैरह जो होते हैं. ठीक है, प्राउन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, क्रे फिश की इसके अंदर एडिशन है, इसको आप लोगों ने मेंशन करना है. इसी तरह अगर किसी चीज किसी को एग एलर्जी है और वो कुकीज खरीद ले तो उसके ऊपर अगर आप लोगों ने अगर मेंशन करना है इसके अंदर एग है या इसके अंदर फिश है, इसके अंदर पीनट्स है, सोयाबीन्स है, मिल्क है, ये सारी चीजें आप लोगों ने मेंशन करनी होती. ठीक है, ठीक है. अब ये वो इंग्रेडिएंट्स है जो प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं. इट कुड बी नट्स, पीनट, सोया, एग, ग्लूटेन. ठीक है, इस तरह शेलफिश है, सैलरी है. सैलरी से भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है. सेसमी सीड से मुझे पर्सनली थोड़ी बहुत एलर्जी है. ठीक है, मुझे पीनट से भी है, मुझे सेसमी से भी है. ठीक है, सोर्सेज ऑफ ग्लूटेन टू अवॉइड, जर्नल में आप लोगों को वीट, राई, बार्ले, स्प्लिट, कैमट, ट्रिटिकल, ओट्स, सेमोनेला. ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल proteins, MSG, dextrin, malt, citric acid, artificial flavor. Like it's a दुनिया की कोई चीज. मैंने आपको यही कहा था ना, आपको पास जो 90% आपके बल्कि 99% जो आपके पास खाने की चीजें होती हैं उसके अंदर ग्लूटेन होता है. ठीक है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ ग्लूटेन फ्री डाइट. ठीक है, सोर्सेज ऑफ कैसीन क्या हो सकती है हमारे पास, डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी है. ठीक है, ए टू जी जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स है. इसके अलावा जो एक्स्ट्रा में आपके पास आ सकते हैं उसमें आपके पास आ सकते हैं वैक्स ऑफ सम फ्रूट्स. ठीक है, सीजन पोटैटो, सीजन पोटैटो चिप्स एंड हॉट डॉग एंड बेलगोना में कंटेन. ठीक है, हॉट डॉग्स के अंदर समटाइम्स ऐसे होता है कि उन्होंने थोड़ी बहुत चीज ऐड की होती है. दैट्स व्हाई मोस्ट कॉमन जो फूड एलर्जेंस है वो आप लोगों को पता है. पीनट्स है हमारे पास, शेलफिश है, एग्स है, डेयरी है, वीट है. ठीक है, और ये आपका लेक्चर था आज का, इजी सा. ठीक है, समझ आ गया बेटा. आप लोगों से पूछने बेटा, जाग रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. First question या first response पे जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? चल अटेंडेंस पे आ जाएं आप लोग अभी. ओके, अब्दुल रहमान. Present, ma'am. आपके फारूक. अफीफा सज्जाल. एमिन नसीर. प्रेजेंट मैम. आयजा हाशमी. प्रेजेंट मैम. आयजा राशिद. प्रेजेंट मैम. ओके, आयजा राशिद हो गया है. अमीरा इरफान. प्रेजेंट मैम. अमीना मुनीर. Present, ma'am. Amna Naz. Hana Maslam. Present, ma'am. Anila Nasir. Present, ma'am. Abdus Iqbal. Present, ma'am. Present. Ariba Asim. Present. Ariba Jameel. Arij Asif. Present, ma'am. Arij Rabbani. Present, ma'am. Aruj Gul. Atiya Kumar. Present, ma'am. Amol Khan. Aisha Hassan. Aisha Jamshed. Present, ma'am. Aisha Mughal. Present, ma'am. Aisha Rizwan. Present, ma'am. Aisha Sumaya. Present, ma'am. Eman Iqbal. Present, ma'am. Present, ma'am. Askar Rahman. Bashair Ashraf.
Present ma'am. Delicious Haq. Present ma'am. Iman Toki. Present ma'am. Iman Razia. Iman Anwar. Present. Faisal Manzoor. Faizan Ikram. Fatma Azhar. Present. Fiza Naveed. Present ma'am. Gule Lala. Present. Gulshan Saleem. Present ma'am. Hafiza Laiba. Present ma'am. Hajra Tariq. Present ma'am. Hamna Tahir. Hanzala Saleem. Hina Bas. Hina Arshad. Present ma'am. Hira Tabassum. Present ma'am. Huma Ijaz. Humaira Saeed. Present ma'am. Ikra Asghar. Present ma'am. Ikra Bashir. Present ma'am. Ikra Qasim. Present ma'am. Ikra Rafiq. Present. Isma. Present ma'am. Isma Khalid. Present ma'am. Isra Ahmed. Present ma'am. Javeria Atik. Present. Kainat Riyaz. Present. Khadija Akbar. Present. Konain Fatma. Present ma'am. Laiba Sarfaraz. Present ma'am. Mahad Mahmood. Present ma'am. Maham Fatma. Present ma'am. Mahnoor Khan. Maruf Tahir. Present. Masra Javed. Malka Alia. Present. Manahil Kashif. Present ma'am. Maryam Rashid. Present ma'am. Maryam Saab. Present miss. Maryam Majid. Present ma'am. Maryam Naz. Present ma'am. Mubeen Tanveer. Present ma'am. Momin Asif. Present ma'am. Muhammad Hamid. Present ma'am. Shehbaz. Munazza Zaheer. Present ma'am. Nabiya Tahir. Neha. Present ma'am. Imra Naqvi. Present. Imra Shahzad. Present ma'am. Noor Fatma. Present ma'am. Oshin Sajid. Present ma'am. Razia Naeem. Present ma'am. Rabia Ali. Present. Rabia Habib. Rabia Salman. Present. Raghad Abdurrahman. Present. Ramesh Shaukat. Yes ma'am. Rawan Nadeem. Present. Razia Batool. Present ma'am. Rehman Tariq. Present ma'am. Rimsha Rashid. Present. Rizwanul Haq. Present. Sabah Arshad. Sadaf Ilyas. Present ma'am. Saira Mehboob. Present ma'am. Samra. Present ma'am. Samira, sorry beta. Sana Shehzadi. Present ma'am. Sara Ali. Present. Savira Nasir. Present. Shehla Iqbal. Present ma'am. Sidra Abbas. Present ma'am. Mansoor. Present. Soha Amir. Present ma'am. Sayyida Bisma. Sayyida Dua. Present ma'am. Sayyida Ghanwa. Present ma'am. Sayyida Momna.
Present. Sayyida Nurul Ain. Takreem Hamid. Tehreen. Present. Present, ma'am. Tehreen Ikram. Tirza Anwar. Present, ma'am. Aruj Afzal. Ushna Nasir. Uzma Anwar. Sir. Wardha Fatma. Present. Wardha Mustaqeem. Present, ma'am. Wardha Mustaqeem bola hai maine. Zain Iftikhar. Yes, ma'am. Yes. Zainab Imran. Present. Zainab Mehboob. Present. Zinat Anwar. Present. Zainab Fatma. Present, ma'am. Zoha Ahmed. Present, ma'am. Excuse me, miss. Ji. Miss, Sunday ko ye quiz ki timing confirm? 2 p.m. Ji. Ma'am, Afia Farooqi. Ji. Ma'am, Afia Farooqi. Beta, mujhe samajh nahi aa rahi. On campus classes ka puchna tha. Beta, email abhi aaya hai na. Ma'am, Afia Farooqi laga de. Ma'am. बेटा जो भी होगा आपको भी पता चल जाएगा मुझे भी पता चल जाएगा अभी तक तो ऑन कैंपस केसेस कोई बात नहीं हुई क्योंकि हमें ईमेल आई है कि हमारे जिनके आईडी कार्ड के नंबर और गिवन है उसके साथ हम आएंगे यस मैम तो मंडे को जिसकी क्लास होती है मंडे को ऑड वाले आए और मंडे को होती है और थर्सडे को होती है ना आपकी नहीं नो मैम आप लोगों की क्लास होती है ट्यूजडे एंड फ्राइडे तो ट्यूजडे को आया करें ऑड वाले और फ्राइडे को आया करें इवन वाले मैम आफिया फारूक की प्रेजेंट महनूर खान प्रेजेंट है महनूर खान मैम मेस्ट्रा जावेद भी प्रेजेंट है उसका नेट चला गया है मेस्ट्रा का मैं बीच में नाम लेने ही भूल गई हूँ उसकी ऑलरेडी प्रेजेंट लगी हुई है ठीक है मैम मैम जी मैम हमारा सैटरडे नाइट 8 बजे क्विज है तो संडे को आप नाइट में कर लेंगे क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा उसको तैयार करने का कर दिया और मैं इसको चेंज नहीं कर रही ठीक है मैंने उस दिन बोल दिया था आप लोगों को मुझे अपनी भी टाइमिंग देखनी होती है मैम कितने एमसीक्यूज होंगे 30 है बेटा लिखा तो है आपके उसमें असेसमेंट प्लान में Okay, ma'am.